बहुत एक पहाड़ का है। देखिए ये पहाड़ है, इसको पूरे के पूरे और अल्लाह के रसूल कि मैं वहद से प्यार करता हूँ और वहद मुझसे प्यार करता हूँ। अगर किसी को जन्नती पहाड़ देखना हो तो वहद को देख लीजिए। कल कयामत का दिन हो तमाम चीज़ें खत्म हो जाएगी। मुख्तसर अंदाज आपको जो बताया कि वहद को बैन ही उठा करके गया कि ये जन्नती पहाड़ है। अल्लाह तो अल्लाह के रसूल ने इसको जन्नती पहाड़ लावा पर इस पहाड़ को ऊपर से लोगों ने देखा और ऊपर से तस्वीर लेने की कोशिश की। गोया कि ये पहाड़ जो 7 किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी शक्ल अपनी मोहम्मद की शक्ल बना ली थी लावा पर। यही तो वजह है कि औहद ने इश्क मोहब्बत का यही सबूत नहीं दिया बल्कि और भी सबूत दिया। जब आका अली सलातो तस्लीम जख्मी हालत में आका अली सलातो तस्लीम को औहद के मौके पर वहाँ पर लेके जाते हैं तो औहद अपने सीने को चाक करता है और अपने अंदर में समोह लेता है। यही तक नहीं बल्कि हजरत मेरी हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गोया के अहद एक ऐसा मकाम इस पहाड़ को कहते हैं। और गौर करो आज से 1400 साल पहले अगर आप देखेंगे जब जंग अजीम हुई और बदर बदर के बाद से ऐलान कर दिया कि इस्लाम को नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा और मोहम्मद बाज़ल्ला मोहम्मद की सरजमीन में जितने भी कुफार थे सब जमा हो चुके थे। मुख्तसर यह है कि तमाम कुफार कहाँ पर मक्कतुल मुकर्रमा से चले। जब खबर यह पहुंची आका कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में आका ने मशवरा किया कि जंग लड़ी जाए तो कहाँ पर, वो सबके मशवरे से इत्तफाक हुआ कि अगर जंग लड़ी जाएगी ये ओहद के गोशे में लड़ी जाएगी। ऐसे वक्त में आका कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सिर्फ सालार की हैसियत से यहाँ पर तशरीफ लाते हैं और आका अलैहि सलातो तस्लीम जंग के नक्शे को खुद बनाते हैं। बनाने के बाद तमाम सहाबा को कहाँ पर रुकना है तो तमाम चीज़ें बताते हैं। खुदावर पर यह है कि ये जंग हो रही है, खुदावर पर तारीख का और प्लाट करके देखो हो जाए या फतेह में तब्दील हो जाए यहाँ से आप लोगों को उतरना नहीं है। यानी आका कायनात सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने 50 तीर अंदाजों को वहाँ पर मुंतखब कर दिया था। अल्लाहू अकबर, जंग की सूरत कुछ भी हो लेकिन उतरना नहीं है। अल्लाहू अकबर, जंग चल रही थी, जंग हो रही है। ऐसे वक्त में मुख्तसर अंदाज यह है कि सहाबा इकराम एक वक्त ऐसा आया कि जंग फतेह में तब्दील हो गई यानी जंग को फतेह कर लिया गया। मुसलमान जितने भी सहाबे इकराम थे माले गनीमत जमा करने लगे। ऐसे वक्त में तमाम सहाबे इकराम वो सहाबे इकराम जो तीरंदाजी के लिए मुंतखब किया गया था उनको भी ख्याल आया अब तो जंग खत्म हो गई है, नीचे उतरा जाए और क्या किया जाए, माले गनीमत को इकट्ठा किया जाए। कुछ सहाबे इकराम ने मना फरमाया लेकिन कुछ सहाबे इकराम ने ख्याल ना किया, वो तमाम सहाबे इकराम उतर आए तो कुछ सहाबे इकराम थे जो वहाँ पर मौजूद थे। अल्लाहू अकबर, जब सहाबे इकराम नीचे उतरते हैं खालिद बिन वलीद उस वक्त दायरे इस्लाम में नहीं आए थे, उस वक्त ईमान ना लाया था। अल्लाहू अकबर, ऐसे वक्त में खालिद बिन वलीद पीछे से हमला करते हैं इस्लामी लश्कर पर और इस्लामी लश्कर तबाह और बर्बाद होने के दहाने पर होता है। ऐसे वक्त में जो जंग जीत ली गई थी वो शिकस्त में तब्दील हो जा रही है। अल्लाह अकबर, एक वक्त ऐसे मौके पर किसी कुफार ने देखा आका अली सलातो तस्लीम पर पत्थर फेंका। अल्लाह अकबर, आका अली सलातो तस्लीम का वो नूरानी चेहरा अल्लाह अकबर जो चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है, कायनात के हर चीज से भी खूबसूरत है। अल्लाह अकबर, आका अली सलातो तस्लीम के चेहरे अनवर जख्मी होते हैं और आका अली सलातो तस्लीम के चंद दंदाने मुबारक शहीद हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, आका उफ तक नहीं करते हैं। अल्लाह अकबर, आका उफ तक नहीं करते हैं। वो आकाए कायनात जो तमाम नबियों के सरदार हैं, तमाम रसूलों के सरदार हैं, अगर वो चाहते एक चश्मे सदन में पूरी सिपा सालार तबाह और बर्बाद हो जाते कुफार के, लेकिन आका अलैहि सलातो तस्लीम ने जख्मी हालत में भी बद्दुआ ना की। आका अलैहि सलातो तस्लीम के दंदाने मुबारक शहीद हो गए, ये तकलीफ तो थी ही और उनके बाद दूसरी तकलीफ आका अलैहि सलातो तस्लीम पर जो कीड़ा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शक्ल में आकाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा अपने चचों में सबसे ज्यादा अमीर हमजा से मोहब्बत किया करते थे। अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हाकिम मदीना कहा जाता है। आका
अलैहिस्सलाम के दौर में जब किसी को कोई बात मनवानी रहती थी तो ऐसे वक्त में हजरत अमीर हमजा से सिफारिश किया करवाया करते थे। अल्लाह अकबर, हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु, ऐसे वक्त में जंग की सूरत थी, ऐसे वक्त में हिंदा एक औरत थी जो जिसके शोहर कहाँ पर जिसके बाप दादा को हजरत अमीर हमजा ने शहीद किया था, तो कहाँ पर जहन्नम रसीद किया था, कहाँ पर बद्र के आलम में उन्होंने क्या किया था, तैयारी की थी, ये गुलाम को मुंतखब किया था कि अगर तुम हजरत हमजा को शहीद कर दोगे तो तुमको मालोमाल कर दूंगा। ऐसे वक्त उस खो में लगा हुआ था। मुख्तसर यह है कि हजरत अमीर हमजा को शहीद कर दिया जाता है। अल्लाह अकबर, वो गुलाम खबर देता है, वह हिंदा आती है हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म में अतहर के को चाक करते हैं सीने को और दिल को निकाल करके चिबाने लगता है। अल्लाह अकबर, हमारा अकीदा है हिंदा। अल्लाह अकबर, उनके इसको किसको दिल को चिबाने लगता है। अल्लाह अकबर, गौर तो करो आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के वो प्यारे चचा हजरत अमीर हमजा को कितनी तकलीफ हुई होगी, कितनी परेशानी हो गई होगी। अल्लाह अकबर, बिला आखिर इस जंग में कम से कम 72 साहब इकराम शहीद हुए और 72 साहब इकराम में सबसे ज़्यादा अगर तकलीफ पहुंची आका को तो हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से पहुंची। अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ है कि ऐ परवरदिगार आलम, ऐ खल्लाक़े कायनात, हम सबको हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नक्श कदम पर चलने की तौफीक व रफ़ीक़ अता फरमाए, हम सबको शरीयत मुस्तफ़ा पर चलने की तौफीक व रफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।